नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। प्रयागराज शहर के सिविल लाइन्स में आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन संविदा कर्मचारी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें सरकारी स्थायी कर्मचारी की तरफ से समायोजित करते हुए स्थायी किया जाए। इनकी यह भी मांगे है कि इनकी वेतन की पॉलिसी और वेतन की जो विसंगतियां हैं उन्हें भी दूर किया जाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के दायरे में अपने को लेने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बीमा पॉलिसी के अंदर इन्हें शामिल किया जाए, यह भी इनकी मांगे हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पे तैनात हैं। इसमें से सभी लोग जो है ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हैं। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कम से कम न्यूनतम 10 साल से कार्य कर रहे हैं और नियमित कर्मचारियों के बराबर काम कर रहे हैं। तो हमारी सर्वप्रथम ये मांग है कि जब हम समान कार्य कर रहे हैं तो हमें समान वेतन मिलना चाहिए। बहुत सारे पद ऐसे हैं विभाग में जो कि आज भी खाली पड़े हैं, तो क्यों ना जब हम लोग अपनी तन्मयता से काम कर रहे हैं तो हमें उस पदों पर समायोजित किया जाए। इन्हीं प्रमुख मांगों के साथ हम लोग पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यह अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। प्रयागराज शहर के मेयर रोड का नाम बदलकर चौधरी चुन्नीलाल मार्ग कर दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज समाज सेवी और लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष चौधरी चुन्नीलाल की 22वीं पुण्यतिथि में बेली हॉस्पिटल में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि चौधरी चुन्नीलाल ने समाज की जो सेवा की है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है और पूरा प्रयागराज उनके इस सामाजिक अवदान के लिए उन्हें हमेशा नमन करता रहेगा। श्रद्धांजलि के रूप में प्रयागराज शहर में मेयर रोड का नाम आज इसलिए चौधरी चुन्नीलाल मार्ग कर दिया गया है। आज बाबूजी की पुण्यतिथि थी और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपने विभाग की ओर से, प्रयागराज वासियों की ओर से बाबूजी को यह विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां बाबूजी से प्रेरणा लें, इसलिए इस मार्ग का नामकरण किया गया है, जिसे आज से ही उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है और एक दिन अलग से कार्यक्रम वहां पर हम आयोजित करेंगे। धन्यवाद। महंत नरेंद्रगिरी संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी स्वामी आनंदगिरी का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने स्वामी आनंदगिरी की जमानत अर्जी पर सीबीआई से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 11 नवंबर को विशेष अदालत द्वारा आनंदगिरी की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद ये अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारियों का बयान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में कहा है कि 2017 के पहले यूपी में लुंगी छाप और जालीदार टोपी पहन गुंडे ही घूमते थे। इन गुंडों से सबसे ज्यादा त्रस्त व्यापारी थे। प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के बाद इन सब से भाजपा सरकार ने ही निजात दिलाई। अब यहाँ गुंडे ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। 2022 का चुनाव आने वाला है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि प्रदेश में 2017 से पहले वाला माहौल फिर से ना बने। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगर गुंडे माफियों को सपा से निकाल दें तो सपा में कुछ नहीं बचेगा। यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस ने अगर भ्रष्टाचारियों को बाहर कर दे तो कांग्रेस में भी कुछ नहीं बचेगा। पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन्स के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था, लेकिन इस शांतिपूर्ण इलाके को भी अशांत करने के लिए एक साथ मैं देखता था 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों में 50-50, 100-100 वस्त्रहे लेकर के यहां गुंडे अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आते थे कि नहीं आते थे?
पूरे कमिश्नरी से जुड़े हुए जिस भी बाजार से संबंधित आप होंगे, आप बताइए गुंडे गुंडागर्दी दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है क्या ये गुंडे आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? सही बात बताना, दिखाई दे रहे हैं क्या? सड़क पर चल रही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखी गाड़ी देखकर ठनका एसपी अरैया का माथा। चौकिंग के दौरान आईबी विभाग के फर्जी अधिकारी नकली पिस्टल के साथ हुआ अपने दो साथियों के साथ गिरफ्तार। यूपी के औरैया जनपद में औरैया आवास से काकोर पुलिस मुख्यालय जा रहे एसपी औरैया की निगाह एक संदिग्ध गाड़ी पर पड़ी जिस पर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी लिखा हुआ था। उन्होंने तत्काल कोतवाल औरैया को पकड़ने का आदेश दिए। सदर औरैया कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर दिव्यापुर तिराहे पर संदिग्ध गाड़ी को घेराबंदी कर धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी नरेंद्र सिंह ने खुद को आईबी अधिकारी बताया। मामला लगने पर संदिग्ध जब सही जवाब नहीं दे पाया तो सीओ सिटी उसे अपने साथ एसपी ऑफिस में एसपी के समक्ष ले गए, जहां पर खुद एसपी औरैया अभिषेक वर्मा ने संदिग्ध अधिकारी से पूछताछ की, जिस पर यह पाया गया कि आरोपी फर्जी अधिकारी है और पकड़े गए आरोपी के पास से नकली पिस्टल बरामद हुई है जो कि रौब झाड़ने के लिए रखता था और औरैया जनपद में किसी रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी सहित तीन लोगों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। अन्य तथ्यों पर जाँच भी की जा रही है, कैसे इसने नकली फर्जी आईबी विभाग का कार्ड बनवाया और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया। देखिए, थाना दिव्यापुर के अंतर्गत जो ककोर रोड है, जो मुख्यालय से हमारा कोतवाली और रैया को जो की तरफ जाता है रास्ता, उस पर एक गाड़ी आ रही थी जिसका काली कलर की एक एक्सी हुई थी, जिसमें आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और छत्तीसगढ़ सीरीज की ये गाड़ी थी। गाड़ी जब संदिग्ध प्रतीत हुई तो मेरे द्वारा चेकिंग आदेशित की गई और इसको चेकिंग के दौरान इसको उस गाड़ी को रोका गया। रोकने के दौरान जब इसमें अब जो गाड़ी से लोग निकले हैं उसमें से एक व्यक्ति जो अपना नाम नरेंद्र सिंह बता रहे हैं, उनको चेक किया गया तो उनके पास से एक आईबी का एक नकली आई कार्ड बरामद हुआ है। इसकी तस्दीक कराई जा रही है और इस गाड़ी को और जो गाड़ी में जितने लोग बैठे थे उनको हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ करी जा रही है, सारी डिटेल चेक करी जा रही है और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा इसमें की जाएगी। सर, आरोपी के द्वारा अपनी तैनाती कहाँ बताएगी और उसके पास से क्या क्या पुलिस को संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं? आरोपी द्वारा बताया गया कि वो आईबी में जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नाम के किसी पद पे कार्यरत है, जो कि ऐसा कोई पद नहीं अभी तक प्रकाश में आया जो आईबी में होता है, और इसमें आईबी के लोगों से भी जानकारी हासिल करी जाएगी। और इन्होंने बताया है कि ये आईबी के साथ साथ इनके पास एक नकली पिस्टल भी बरामद हुई है और साथ में एक चाकू और कुछ और ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जिसको पुलिस ने भी हिरासत में लिया है और आगे की पूछताछ इनसे की जा रही है। सर, क्या ये आरोपी ने बताया कि वो औरैया जनपद में कहाँ आया हुआ था, किसके यहाँ आया हुआ था? आरोपी द्वारा बताया गया कि वो किसी रिश्तेदारी में किसी से मिलने आए हुए थे और ये जो बोर्ड वगैरह लगा के चलना ये उसी के लिए है कि ताकि वो अपना वर्चस्व दिखा सके। अभी इसमें पुलिस जानकारी कर रही है, और भी कोई एंगल निकल के सामने आएंगे तो आपको अवगत कराएगा। सर, कुल कितने लोगों को अभी अभिरक्षा में लिया गया पूछताछ के लिए? अभी टोटल इसमें तीन लोग हैं जो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं, सभी से अलग अलग पूछताछ करके जो भी आगे की कार्रवाई करी जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।